हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्रम के अंदर हमने बहुत सारे नियमों का अध्ययन किया। उसमें फिर 15 नियम तक हम पढ़ चुके थे और 16वां जो नियम है वो क्या कहता है इसको समझते हैं कि अगर वाक्य के दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर तथा और से जुड़े हुए हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझना दोस्तों कि अगर वाक्य के दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से जुड़े हुए हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आइदर और नाइदर हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर आइदर नाइदर से वाक्य की शुरुआत हो रही थी और यहाँ पर ये पेयर के अंदर दो सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पर अगर ये पेयर के अंदर किन्हीं दो सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करते हैं तो वहां पर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। समझेंगे एग्जाम्पल कि नॉट ओनली मोहन, पहला सब्जेक्ट कौन सा हो गया मोहन, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। तो हमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेनी है। तो हिज ब्रदर्स जो कि बहुवचन है, खाली स्थान एब्सेंट, तो वाज या वर, तो बहुवचन के रूप में हम वर का प्रयोग करेंगे, वर। आंसर हो जाएगा नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर एब्सेंट, कि केवल मोहन ही नहीं बल्कि उसके भाई जो थे वो भी वहां पर एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। अगला एग्जाम्पल, आइदर हिज सन्स, या तो उसके पुत्र और फादर या फिर उसके पिताजी, खालिस्तान पनिष्ट। अब देखो आइदर और से जुड़ा हुआ है तथा तो दूसरा जो सब्जेक्ट वो है अपना फादर, और फादर के हिसाब से फादर चूंकि एक वचन होता है तो वर्ब भी एक वचन कहां मिलेंगे, वाज या वर में से किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, तो यहां पर आ जाएगा वाज। दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार मुख्य चीज ये आइदर द फादर और हिज सन, देखो दोनों ही सेंटेंस सेम है, मैंने केवल इनका क्रम चेंज किया है। अब यहां पर पहले आ गया आइदर द फादर और हिज सन्स, खालिस्तान पनिश्ड, वाज वर, तो यहां पर हिज सन्स चूंकि बहुवचन है तो अब आ जाएगा वर। दोनों सेंटेंस से हम केवल सब्जेक्ट को चेंज करने पर इनके वर्ब भी चेंज हो रही है। ही और आई, अब और से जुड़ रहे हैं, और का जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आई, और आई के अनुसार हम प्रयोग करेंगे वर्ब का वाज और वर में से, तो वाज आएगा, तो सॉरी ही और आई वाज गिल्टी। इसी प्रकार से अगला नियम 17वां जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द का प्रयोग हो तो वह कॉमन नाउन का बोध कराता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, तथा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन। जैसे कि आर्टिकल अपन ने पढ़ा था उसमें एडजेक्टिव के अंदर कि बहुत सारे एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगने से वो पूरी जाति या समुदाय का बोध कराता है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, द रिच। अब चूंकि रिच एक एडजेक्टिव है लेकिन इससे पहले आर्टिकल द लगने से ये क्या बन रहा, पूरा धनवान समुदाय जो होता है उसकी बात की जा रही, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल, तो द रिच आर क्वाइट हैप्पी, धनवान लोग प्राय क्या होते हैं, खुश होते हैं। द पुअर, अब यहां पर गरीब क्योंकि पुअर एडजेक्टिव और इससे पहले द और द आर्टिकल लग रहा है तो ये पूरे गरीब समुदाय या गरीब जाति का बोध करा रहा है, और जाति के साथ में हम वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे तो आर माइजरेबल। द स्ट्रोंग, स्ट्रोंग जो होता है ये एडजेक्टिव और इससे पहले भी आर्टिकल द लग रहा है वो कि वही बात कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, तो अतः वर्ब प्लूरल आ जाएगी, आर नॉट ऑलवेज टू विन। इस प्रकार से दोनों ही नियम थे। तो दोस्तों अगला जो नियम है 18वें नंबर का वो क्या कहता है उसको समझते हैं कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, पॉलिटिक्स इत्यादि हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि ये जितने भी नाम है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके सबके पीछे एस एस लगा हुआ है और दिखने में तो ये बहुवचन दिखते हैं लेकिन वास्तव में ये किसी सब्जेक्ट का नाम होता है या फिर किसी बीमारी का नाम होता है, तो उनको
उनके नाम के हिसाब से उनके साथ में वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, बहुवचन प्रयोग में नहीं लेंगे। मतलब इनके नाम को देकर हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे पहला एग्जांपल है पॉलिटिक्स खालिस्तान ए गुड सब्जेक्ट, एक विषय की बात की जा रही है, पॉलिटिक्स चूंकि एक सब्जेक्ट होता है तो यहां पर हम वर्ब प्रयोग में लेंगे इज। मैथमेटिक्स खालिस्तान एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब मैथमेटिक्स में यहाँ पर इस सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। मिजल्स खालिस्तान ए डेंजरस इलनेस, मिजल्स जो होती है खतरनाक बीमारी होती है, अब यहाँ पर इज एमआर में समय प्रयोग करना क्योंकि ये बीमारी का नाम है, अतः यहाँ पर वर्ब आ जाएगी सिंगुलर इज। लेकिन इसके साथ में एक नोट है, इसको समझेंगे कि लेकिन अगर इनका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष की गणना या विशेषता, मुख्य रूप बात याद रखना कि किसी भी व्यक्ति विशेष की गणना या विशेषता की अगर बात की जाती है तो इनके साथ वर्ब बहुवचन प्रयोग में ली जाएगी। अगर सब्जेक्ट या बीमारी के नाम के हिसाब से इनका प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन अगर इन्हीं सब्जेक्ट का उनकी विशेषता बताने के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो वहां पर वर्ब प्लुरल आ जाएगी क्योंकि उनकी गणना या विशेषता के बारे में बताता है। हिज पॉलिटिक्स खालिस्तान नॉट गुड, उसकी जो राजनीति वो अच्छी नहीं है। अब पॉलिटिक्स की में उसकी जो विशेषताएं हैं वो अच्छी नहीं, मतलब घटिया राजनीति करता है, तो यहाँ पर ये वर्ब प्लुरल प्रयोग में लेंगे तो हिज पॉलिटिक्स वर नॉट गुड, वाज या वर्ब में से किसका प्रयोग करेंगे, वर का, कि उसकी पॉलिटिक्स उसकी राजनीति जो थी वो अच्छी नहीं थी। द फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन की जो फिजिक्स की गणना है, भौतिक की जो गणना है खालिस्तान गुड, वो अच्छी है। इज एमआर, अब चूंकि मोहन की विशेषता के बारे में उसकी गणना के बारे में बताया जा रहा है अतः यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो प्लुरल आएगी आर। तो ये दोनों ही फर्क होता है कि अगर इनका सब्जेक्ट विशेष के रूप में अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, और अगर इनका प्रयोग किसी की विशेषता या गणना बताने के लिए किया जाता है तो वहां पर वर्ब हम प्रयोग प्लुरल प्रयोग में लेंगे, बहुवचन प्रयोग में लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा जो अगला जो नियम है 20वें नंबर का, क्या कहता है, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट जूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, टीम, पब्लिक, गवर्नमेंट या कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन आ जाता है या ये जो कलेक्टिव नाउन लिखे हुए इनमें से अगर कोई आता है तो वहां पर वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। जैसे कि द जूरी खालिस्तान कंसिडरिंग द मैटर, जूरी यानी न्यायाधीश गण जो है वो मामले की सुनवाई कर रहे हैं या उसके बारे में विचार कर रहे हैं, इज एम आर। अब जितने भी न्यायाधीश गण, वैसे कलेक्टिव नाउन के अंदर समूहवाचक के अंदर एक समूह होता है लेकिन वो एक ही मामले के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वर्ब जो है इज प्रयोग में लेंगे। आर्मी खालिस्तान रिसाइटेड टू डिसओबे द कमांडर, आर्मी ने कमांडर की अवहेलना करने का निर्णय लिया है। अब आर्मी चूंकि ये कलेक्टिव नाउन है इसके लिए हम वर्ब सिंगुलर हैज डिवाइडेड हैज डिसाइडेड सॉरी। द टीम खालिस्तान रीच्ड जयपुर, टीम जो है जयपुर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर टीम जो है एक साथ आ रही, मतलब वो क्यों ही बात है, एक कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब सिंगुलर हैज रीच्ड जयपुर। लेकिन इसमें एक नोट यह भी है कि अगर कार्य को करते हुए इनके सदस्यों का बंटवारा हो जाता है, मतलब सदस्य जो है आपस में बंट जाते हैं अपने अपने ओपिनियन के अंदर या अपने अपने कार्य को अलग अलग से करने लग जाते हैं तो वर्ब प्लुरल प्रयोग में लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वर्ब प्लुरल, देखो यहाँ पर जितने भी सदस्य एक ही कार्य को एक ही समय में एक साथ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगले जो एग्जाम्पल्स आने वाले इनमें सदस्यों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है तो वर्ब प्लुरल प्रयोग में लेंगे। द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब अपने अपने मत में जूरी जो थी न्यायाधीश गण जो है वो डिवाइडेड हो चुके बट चुके हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में वर्ब प्लुरल काम में आएगी, वर्ब डिवाइडेड। द टीम खालिस्तान रिच्ड द ग्राउंड, अब ग्राउंड तक आती है तब तक टीम एक साथ आती है तो द टीम हैज रिच्ड द ग्राउंड। एंड खालिस्तान टेकन देयर पोजिशन, और उन्होंने अपनी अपनी स्थिति ले ली, अब वो कार्य को अलग अलग कर रहे हैं तो वहां पर हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव टेकन देयर पोजिशन। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्टिव नाउन वाला जो मामला है इसमें अगर सारे सदस्य किसी कार्य को एक साथ कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, और अगर कार्य को करते हुए इनके सदस्यों का बंटवारा हो जाता है
तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। अगला जो हमारा नियम है 21वां, उसके अंदर अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, अपने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि गणनावाचक विशेषण के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से एक ही निश्चित यूनिट का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर। अब एक निश्चित यूनिट क्या होती है, जैसे कि अ सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन वेट हो, मतलब कुछ एक निश्चित यूनिट का हमें बोध कराना हो तो उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। जैसे कि 5 रुपीज खालिस्तान अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 5 रुपए जो होता है एक बहुत छोटा अमाउंट होता है, एक यूनिट में अगर इसको बताना हो तो हम यहां पर प्रयोग में लेंगे सिंगुलर वर्ब इज। 2 टन्स ऑफ कोल, अब देखो 2 टन कोयले के, मतलब टन्स जो है तो प्लूरल, लेकिन अगर इसका एक ही यूनिट में प्रयोग करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। 2 टन्स ऑफ कोल वाज नॉट इनफ फॉर हिम, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। 40 किलोमीटर खालिस्तान ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो 40 किलोमीटर जो होता है वो एक लंबी दूरी होता है, मतलब 40 किलोमीटर को एक ही यूनिट के अंदर या सर्टेन डिस्टेंस के अंदर हमें दर्शाना हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। तो 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इन्हीं को जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, इन्हीं को अगर हमें अलग अलग यूनिट के अंदर दर्शाना हो तो फिर हमें वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेनी पड़ेगी। जैसे 50 रुपीज खालिस्तान टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब 50 रुपए को विद्यार्थियों के बीच में बांटना, मतलब अलग अलग यूनिट का बोध कराना है, तो यहां पर वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। तो 50 रुपीज इज एम आर में से क्या जाएगा प्लूरल आर। 6 months खालिस्तान पास्ड सिंस ही केम हियर, उसको यहां पर आए हुए 6 महीने गुजर गए, मतलब कितने महीनों से नहीं आया, 6 महीनों से, अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है तो यहां पर 6 months हैव पास्ड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर एक ही यूनिट में हमें इन कार्डिनल एडजेक्टिव को दर्शाना हो तो वर्ब सिंगुलर, और अलग अलग यूनिट में अगर इनको दर्शाना हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इन्हीं नियमों के क्रम में जो 22वां जो नियम है वो हमें यह कहता है कि कुछ नाउन जैसे केटल, प्यूपल, पुलिस, वर्मिन, डजन आदि दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, मतलब ये शब्द दिखाई तो सिंगुलर देते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं, इनका मीनिंग जो होगा वो बहुवचन होगा, वो अतः इनमें आने वाली वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, द केटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। अब केटल ये शब्द दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन इसका अर्थ की दृष्टि से ये बहुवचन होता है, तो इसमें वर्ब जो आएगी इज एम आर में से क्या आएगी, आर आएगी। इसी प्रकार से अगला जो नियर एग्जाम्पल है वो देखो, दीज वर्मिंस, वर्मिंस का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। अब दीज वर्मिंस खालिस्तान वेरी हार्मफुल, ये कीड़े मकोड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। अब यहां पर वर्मिंस बहुवचन है अतः इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, आर का। इसी प्रकार से मतलब ये जो शब्द होते हैं ये दिखते तो सिंगुलर है लेकिन इनमें वर्ब जो होती है हमेशा बहुवचन प्रयोग में आती है। फिर अगला 23वां नियम ये कहता है कि नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, उनके साथ अगर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा एक वचन वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि नथिंग बट ट्रीज, आप देखिए नथिंग नथिंग बट के बाद में जो नाउन आ रहा है वो आ रहा है ट्रीज, जो कि बहुवचन है, लेकिन नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद चाहे कोई सा भी नाउन आए, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा हम सिंगुलर ही प्रयोग में लेंगे, अतः इज एम आर में से इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। नथिंग बट वाटर, वाटर ऑलरेडी सिंगुलर है और नथिंग बट वाला नियम भी यहाँ पर लग रहा है तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग में आएगी, वाज वर्ब में से वाज कर देंगे। नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर, कुछ भी नहीं केवल पानी वहां दिखाई दिया। तो दोस्तों, अगला जो हमारा 24वें नंबर का नियम है वो ये है कि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते तथा इससे समूह का बोध होता है, अतः इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। हेयर अगर संपूर्ण बालों की बात की जा रही हो तो उसमें वर्ब सिंगुलर प्रयोग में होता ली जाती है, जैसे कि हिज हेयर खालिस्तान ग्रे तो हिज हेयर इज ग्रे, माई हेयर खालिस्तान ब्लैक तो माई हेयर इज ब्लैक,
इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक नोट है, वो समझिएगा कि लेकिन अगर हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न वालों के अर्थ में हो तो उसके नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब कुछ बाल या अलग अलग बालों के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो नंबर है, जो वचन है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, द हेयर खालिस्तान ए हेयर इन द मिल्क। अब मिल्क में कितने बाल है? ए हेयर एक बाल है, एक वचन है, अतः वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो द हेयर इज ए हेयर इन द मिल्क। सम ऑफ इज हेयर्स, उसके कुछ जो बाल है। अब चूंकि कुछ बालों की बात हो रही है और हेयर्स आ रहा, बहुवचन आ रहा है, तो वर्ब जो होगी वो बहुवचन प्रयोग होगी। सम ऑफ हिज हेयर्स आर वाइट, उसके कुछ जो बाल है वो सफेद है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला जो नियम है 25वां, ये हमारे इस टॉपिक का एक अंतिम नियम है, लास्ट नियम है, इसको समझेंगे कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमने प्रोनाउन में पढ़े थे, हु विच देट जैसे शब्द होते हैं, से जुड़ा हो, तो जिस शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब प्रोनाउन का यूज लेते हैं, संज्ञा की जगह पर काम में आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये भी किसी ना किसी संज्ञा के लिए आए होंगे, तो जिस संज्ञा के लिए इनका प्रयोग हुआ है उसी संज्ञा के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अगर वो संज्ञा एक वचन है तो वर्ब एक वचन प्रयोग में लेंगे, और अगर वो संज्ञा बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन प्रयोग में लेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द बॉयज हु खालिस्तान स्टैंडिंग देयर आर माई नेफ्यू। अब द बॉयज हु, जो, अब ये हु जो है किसके लिए आया है? ये द बॉयज के लिए आया है जो कि एक बहुवचन है, तो यहां पर आ जाएगा एग्जाम्पल, आंसर जो होगा आर आएगा, क्योंकि इज एम आर में से हमें एक भरना है। तो द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई नेफ्यू। अगला एग्जाम्पल देखिए कि द बुक विच खालिस्तान बिलोंग या बिलोंग्स टू मी इज लाइंग हियर। द बुक, वह किताब, विच, अब ये विच किसके लिए आया है? इस किताब के लिए आया, द बुक के लिए आया, जो कि एक वचन है। अब एक वचन अगर संज्ञा है तो हमारी वर्ब जो होगी, सॉरी, एक वचन जो सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब जो होगी वो भी एक वचन आएगी। अब बिलोंग होगा या बिलोंग्स, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी था पहले कि नाउन के आगे ऐसी आई एस लगाने से वो बहुवचन बनता है, उसी प्रकार से वर्ब के आगे ऐसी आई एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। तो द बुक एक वचन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? बिलोंग्स, तो यहाँ पर देंगे बिलोंग्स। टू मी इज लाइंग हियर, वो यहाँ पड़ी है। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग या रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 नियम पढ़े हैं। जो अगली जो क्लास होगी वो शॉर्ट के अंदर ये जितने भी 25 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं इनका रिवीजन हम एक ही बार में उस क्लास में करने वाले हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके तथा ये जितने भी नियम है ये आपको अच्छी तरीके से लर्न हो सके, याद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।